ना मेरा नेक पेन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है गाइस, आई डोंट नो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, बैक में पेन कर रहा है, थाइस पेन कर रहा है। आज का व्लॉग अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट आज की व्लॉग में हम कोशिश करेंगे अपने पढ़ाई, अपने वर्कआउट और अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की। आई नो हम सबका लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो चुका है, देयरफॉर इन दिस व्लॉग वी विल ट्राई टू लर्न टू क्रिएट बैलेंस इन आवर लाइफ। तो सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एक बैलेंस के साथ स्टार्ट करने के लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। तो अभी सो जाता है गाइस और सुबह सवेरे मिलता है। बाय द वे वेलकम टू द डे 39 ऑफ 150 हार्ट चैलेंज। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:54, यानी पूरे 2:30 बजे मैंने अलार्म रखा था। अलार्म के बाद फिर थोड़ा प्रोकस्टिनेट करके 10-15 मिनट सो लिया। अभी सिर्फ 5 मिनट बचा है तो जल्दी से रेडी होता है, फिर उसके बाद अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं यार, लिटरली सच में कर रहा है। काश कुछ एक्सक्यूजेस करने को होता, कुछ ऐसा लग रहा है, बट जो भी होगा इस स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है और हमारे 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ऑप्शनल ज्योग्राफी के क्लासेस और हमारे सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के क्लासेस कंप्लीट करा है। यू नो व्हाट गाइस, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बैक में पेन कर रहा है, थाइस पेन कर रहा है, और कल तकरीबन 110 kg का मैंने स्क्वाट्स किया था, जिसकी वजह से ना गाइस थाइस में, बैक में पता नहीं हल्का सा पेन हो रहा है। बट जो भी हो गाइस, ये छोटे मोटे पेन होगा, प्लेजर होगा, ये सब चीज़ें टेम्परेरी होता है। बट अगर हम इसके चक्कर में ना अपने मेजर कॉजेस को, अपने गोल्स को छोड़ते हैं, तो अल्टीमेटली सिर्फ पछतावा फील होगा। गाइस हम में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम सब लोगों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम बिल्कुल गलत है गाइस। यू नो भले ही टाइम 24 घंटे हैं, लेकिन हमारे पास कितने घंटे हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। तुम अपने हर घंटे की प्रोडक्टिविटी को मेजर करना एंड यू विल गेट टू नो दैट हर घंटे तुम्हारा एफिशिएंसी कम होता चला जाएगा। अभी आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी 1 घंटा कितना प्रोडक्टिव बनता है और आपकी 24वां घंटा कितना प्रोडक्टिव बनता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। अब ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट गाइस, जल्दी खाते हैं और हमारे लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज अपने स्टडी टेबल पर ही खाना खा रहे हैं क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है गाइस, सोया पड़ा है यार कोई। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो 24 घंटे हमारे पास, उसका प्रोडक्टिविटी तुम्हें 8-10 घंटे से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला या तो मैं इनमें से किसी एक को छोड़ दूं, दूसरा या तो मैं इस टाइम की वैल्यू और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लूं। मैं तो त्याग नहीं सकता अपने सपनों और पैशन को, इसीलिए मैंने चूज किया इस टाइम की वैल्यू और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब हम कुछ दिनों तक बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स ढूंढेंगे और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाए। तो गाइस फाइनली अभी हमारा लाइव स्टडी सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट गाइस मेरा नेक बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, मैं यहाँ इस तरफ ले ही नहीं पा रहा हूँ सही से, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शायद पोस्चर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जो भी होगा गाइस अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं एंड फिर उसके बाद हमारे लास्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड लिटरली यार आजकल ना जो टाइम चल रहा है ना, इट्स अमेजिंग गाइस लिटरली। दोस्त हु आर नॉट ज्वाइनिंग द लाइव स्टडी सेशन तो जरूर ज्वाइन करना और यूज द पोमोडोरो टेक्निक इन ऑर्डर टू मतलब अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। लिटरली गाइस व्हेन यू आर स्टेइंग अकाउंटेबल विद समवन, आई एम ट्राइंग टू स्टे अकाउंटेबल विद यू,
विथ माई सेल्फ एंड विथ माई गॉड। अब अपने स्टडी और वर्कआउट में तुझे बैलेंस बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें फिजिकली फिट रहना है या नहीं रहना है, फिर भी तुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। चाहे तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस पे ध्यान रखना है। अब जब तुम्हें अपना गोल पता है तो अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, लेजीनेस दूर करने के लिए तुम्हें डेली बेसिस पे वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। बट अगर हमें अपने पढ़ाई के साथ फिटनेस पे भी ध्यान देना है, हमें इंटेंसिव वर्कआउट की जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शुरुआत में ही इंटेंसिव वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए ना, चाहे हमारे पढ़ाई हो चाहे हमारे फिजिकल फिटनेस हो, हमें वक्त के साथ साथ धीरे धीरे दोनों की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर दो शब्दों में बात करूं तो मैनेजिंग टाइम मीन्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्टिव आवर एंड योर इंटरनल स्ट्रेंथ। दोनों को रेगुलर इंटरवल पे मैनेज करके यू कैन हैव अ वेरी प्रोडक्टिव आवर। आज ना मेरा नेक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस, आई डोंट नो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नींद भी आ रहा है। वैसे तो मैं दिन में जो 3 घंटे का नींद लेता हूँ वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी नींद आ रहा है। मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ख़जाने में ये पड़ा हुआ है, अपने नेक के नीचे रख के थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगा। सच में बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ यार। सो फाइनली हमारा आज का डाइट रेडी हो चुका है, तो जल्दी से इसको खाते खाते अपने पढ़ाई की नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था, हमारी 24 घंटे में हर घंटे की एफिशिएंसी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 घंटे में कितना वीक फील कर रहा था, जब सो लिया, रेस्ट कर लिया, अभी मैं फिर से एक्टिव फील कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम अपने लास्ट सेशन को कंप्लीट करेंगे। सो फाइनली ये रहा मेरा आज का प्रोग्रेस पिक्चर, और कुछ इस तरह हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाता है आज का। आज अपने लास्ट सेशन में मैंने कुछ चीज़ें थोड़ा कम करा, क्योंकि यार नींद बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो, बिकॉज तुम्हारा लाइक एज ए फीडबैक मेरे लिए काम करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर हम कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ना कमेंट भी जरूर करना है एज ए फीडबैक। तो कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।